Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello dear all, here we are back again with our chapter number 6, Animals and Us, Exercise and Question Answers. Today we are going to discuss the question answer. Yesterday we have discussed the exercise question A, B and C. Today we will do the question answers part D of this chapter. But before that, let me discuss question number B. Look at the picture and answer these questions. मैंने आपको समझा दिए थे, अब आपको read करके अपने आप. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. आपने इस पिक्चर में क्या देखा, देखिए पढ़ते हैं हम साथ साथ ही. व्हाट यू हैव सीन इन दिस पिक्चर, देखिए हम इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं. दारी एंड बियर गिविंग स्ट्रीट परफॉर्मेंस. ठीक है, मदारी और बियर क्या दे रहे हैं, स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, देखिए आप बिल्कुल. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हाउ डज द पर्सन डिपेंड ऑन दिस एनिमल. जो ये पर्सन है मदारी, इस एनिमल पे कैसे डिपेंड करता है. देखिए, पीपल who depend on animals give training to the animals to conduct street performances so that they can earn their livelihood or money. ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये लोग उनके ऊपर ऐसे डिपेंड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस उनके आगे तमाशा करते हैं, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस करते हैं और फिर उससे प्रभावित होकर लोग उन्हें पैसे देते हैं. थर्ड क्या है, व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस प्रैक्टिस. हम इस प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं. Do the following. We should not watch such street performances given by wild animals. जब भी कोई wild animal को लेकर के आता है हमारी गली में, हमारे घर के पास, तो हमें वो ऐसी practice को देखना ही नहीं चाहिए. अगर हम देखने के लिए बाहर निकलेंगे ही नहीं तो ये उनको training देंगे ही नहीं. ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, वी मस्ट इन्फॉर्म टू PETA ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के ऑर्गेनाइजेशन को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए. थर्ड क्या कर सकते हैं, वी शुड रिपोर्ट इट इमीडिएटली, हमें इसके बारे में एकदम से रिपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, थर्ड आपको DIY एक्टिविटी दी थी, आई होप आप सबने कर ली होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द गिवन क्वेश्चन. राइट एनी फाइव वेज इन विच एनिमल हेल्पर्स. एनिमल्स हमारे कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमने सिर्फ पाँच वेज बतानी है कि वो हमें पाँच तरीके से कैसे हेल्प करते हैं. फर्स्ट है फाइव वेज इन विच एनिमल हेल्पर्स. फर्स्ट क्या है, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ. डेली हम मिल्क पीते हैं, चाय बनाने के लिए मिल्क पीते हैं. आप बच्चे तो रोज ही पीते होंगे, पीना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है. सेकेंड है, वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स लाइक हैंज एंड डक्स. एग्स हमें कौन कौन देता है, हैंज एंड डक्स. ये भी हम विंटर्स में तो बॉयल्ड एग बहुत खाते हैं सबके सब. थर्ड क्या है, एनिमल्स लाइक यॉर्क्स एंड हॉर्सेज यूज टू कैरी हैवी लोड्स एंड दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट गुड्स. वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने में हेल्प करते हैं, अन ईवन टेरेन एरिया से, जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, जो प्लेन रास्ता नहीं होता, जहाँ पर ट्रक्स वगैरह नहीं जा सकते, वहाँ पर यॉर्क्स एंड हॉर्सेज और जो होते हैं डंकीज, वो हेल्प करते हैं लेके जाने के लिए गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. डी क्या है, वी गेट मीट फ्रॉम हैंस एंड गोट्स. मीट भी तो मिलता है हमें, चिकन. ठीक है, थर्ड फिफ्थ है, वी ऑब्टेन वूल एंड सिल्क फ्रॉम शीप एंड सिल्कवॉर्म्स. ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, गिव एट लीस्ट टू एग्जांपल्स. तो जो हमने फिलअप में भी किया हुआ है ये वही है, फिलअप भी था हमारा. व्हेन एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट दे आर सेड टू बी एंडेंजर्ड. इसके एग्जांपल्स हम कर लेते हैं अभी, देखिए. तो व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल कौन से होते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है. व्हेन एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट दे आर सेड टू बी एंडेंजर्ड एनिमल्स. एग्जाम्पल कौन कौन से, आपको कोई भी दो एग्जाम्पल लिखने हैं, वन हॉर्न डायनासोर, ब्लैक बक, रेड पांडा एंड रॉयल बंगाल टाइगर. इन चारों में से कोई भी दो लिख लीजिएगा जो आपको ईजी लगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचर्स किल एनिमल फॉर डिफरेंट रीजन, डू यू अग्री, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल. पोचर्स जो हैं वो अलग अलग रीजन्स की वजह से एनिमल्स को मारते हैं. क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं, अगर हैं तो अपने साथ एग्जाम्पल दीजिए. तो येस वी अग्री, पोचर्स किल, येस वी अग्री विद द स्टेटमेंट, पोचर्स किल एनिमल फॉर डिफरेंट रीजंस. पोचर्स जो होते हैं वो एनिमल्स को
मारते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, तो वो रीजंस क्या हैं जानते हैं हम। दीज रीजंस आर, देयर आर सो मैनी रीजंस, बट बेसिक रीजन क्या है ऑफ किलिंग एनिमल इज टू अर्न मनी। मनी अर्न करने के लिए भी कैसे पोचर्स किल एनिमल्स टू ऑब्टेन देयर स्किन, एनिमल की स्किन मिले, जिसकी वजह से क्या होता है लेदर, लेदर बनती है, लेदर के फिर प्रोडक्ट्स बिकते हैं, लेदर की बेल्ट बिकती है, लेदर की जैकेट बिकती है, लेदर के शूज़ बिकते हैं, और ये लेदर के प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं और इसलिए इससे फिर ये पैसा कमाते हैं। और पोचर्स जो है वो बर्ड्स को भी किस लिए मारते हैं, उनके फैदर्स के लिए। अब मोर का पंख इतना प्यारा होता है, ख़रीदते हैं लोग, ठीक है ना, तो उसके लिए भी मारते हैं। नेक्स्ट है जो टस्क होती है एलिफेंट की और राइनासोर्स के हॉर्न्स जो होते हैं, उनसे क्या बनता है ऑर्नामेंट्स बनते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, तो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो जो कि बहुत ही दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, बट एनिमल्स को तो मार के बनते हैं ना, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट ऐसे ऑर्नामेंट्स ख़रीदने ही नहीं चाहिए जो कि एनिमल्स को मार के बनते हैं, तो ये बहुत गलत है। और क्या कह सकते हैं हम, टाइगर क्लॉज एंड टीथ्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। जो टाइगर को मार के उनके पंजों से और उनके टीथ से ना चाइनीज़ मेडिसिन भी बनती हैं, तो इसलिए भी चाइना के लोग मारते हैं टाइगर को, तो बहुत ही गलत बात है। तो इन चार रीजंस में से आप कोई भी दो रीजंस लिख लीजिए, तो पेपर लिख लीजिए आप सारे, लेकिन पेपर में आपसे सिर्फ दो या तीन रीजंस पूछेंगे, तो इन चारों में से तीन या दो रीजंस आप याद कर लीजिए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फैज़ा अंकल वॉज गोइंग टू कीनिया फॉर अ हॉलीडे, ही टोल्ड हर दैट ही गेट आइवरी ब्रेसलेट, ही गेट हर एन आइवरी ब्रेसलेट एज अ सोवनेर। फैज़ा इमीजिएटली प्रोटेस्टेड एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट बाय एनीथिंग मेड ऑफ आइवरी, वॉज शी करेक्ट टू से वाई। तो फैज़ा के अंकल जो हैं वो कीनिया जा रहे हैं घूमने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए, और कीनिया में, कीनिया इज़ फेमस फॉर पोचिंग, कीनिया में पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, कीनिया में लोग जो हैं वो इलीगली एनिमल्स को बहुत मारते हैं, तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि फैज़ा के अंकल कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए आइवरी का ब्रेसलेट लेके के आऊँगा। आइवरी क्या होती है, आइवरी होती है एनिमल एलिफेंट की टस्क से बनते हैं ऑर्नामेंट्स, कुछ ऑर्नामेंट्स जो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं वो एनिमल्स की टस्क से बनते हैं, बट बनते तो एनिमल्स को मार के ही है ना। तो फैज़ा ने जैसे ही सुना कि वो आइवरी का ब्रेसलेट लेके आएंगे मेरे लिए, तो फैज़ा ने इमीडिएटली प्रोटेस्ट करा कि बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे लिए ऐसी कोई भी आइवरी की कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि फैज़ा बिल्कुल सही कह रही है या नहीं, तो हम फैज़ा के बिल्कुल साथ हैं, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हम एनिमल्स के प्रॉपर सपोर्ट में हैं और फैज़ा बिल्कुल सही कह रही है, देखिए कैसे। यस, फैज़ा शोज़ हर कंसर्न एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनिमल्स। फैज़ा ने अपना चिंता दिखाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई एनिमल्स के प्रति। एज आइवरी इज जनरली टस्क ऑफ एलिफेंट, आइवरी क्या होती है एलिफेंट्स की टस्क होती है, विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर किलिंग एनिमल, जो कि एलिफेंट्स को मार के मिलती है। तो फैज़ा वॉज एब्सोल्यूटली राइट इन नॉट बाइंग एनीथिंग मेड ऑफ आइवरी, तो फैज़ा बिल्कुल सही है कोई भी आइवरी की चीज़ नहीं खरीदने से वो सहमत है। नेक्स्ट है आपका, अमंदा भी एक बच्ची है जो कि एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, 8 साल की बच्ची है, और हाउ एवर शी फील्स शी इज़ टू यंग टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनिमल कंजर्वेशन। वो सोचती है कि वो बहुत ही ज़्यादा यंग है कि वो कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगी एनिमल को बचाने के लिए, बट हम उन सजेस्ट एटलीस्ट 2 स्टेप्स दैट शी कैन टेक टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ अराउंड हर। जो उसके आसपास का वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए वो क्या 2 स्टेप्स कर सकती है, हमें उसको सजेस्ट करने हैं। तो देखिए क्या क्या 2 स्टेप्स हैं, पढ़ते हैं। अमंदा लव्स एनिमल्स, अमंदा जो है वो एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी अमंदा कैन डू द फॉलोइंग। अब सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि एनिमल्स को बचाओ, अमंदा क्या क्या कर सकती है, फॉलोइंग शी कैन राइट सम एनिमल्स कंजर्वेशन स्लोगन विद द हेल्प ऑफ हर पेरेंट। वो एक पेज पे या फिर कहीं पर भी एक एनिमल को बचाने वाले स्लोगन लिख सकती है। स्लोगन भी कैसा, शूट एनिमल्स विद कैमरा, डोंट शूट एनिमल्स विद गन।
मतलब एनिमल्स को अगर आपने शूट करना है तो कैमरे में शूट, कैमरे से शूट करिए, उनकी फ़ोटो लीजिए, बट उनको गन से शूट मत करिए, गन से शॉट मत करिए, ठीक है। ये इस टाइप का भी हम स्लोगन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मंदा क्या कर सकते हैं, शी कैन मेड वीडियो रिगार्डिंग एनिमल प्रोटेक्शन विद हर पेरेंट्स एंड स्प्रेड इट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक YouTube। हम YouTube पे वीडियो डालते हैं जैसे, वैसे ही अमंदा भी अगर चाहे अपने पेरेंट्स की हेल्प से कुछ वीडियो में ऐसे पॉइंट्स बता सकती है कि हम सबको एनिमल्स के प्रति हम जागरूक हो जाएं, एनिमल्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और एनिमल्स के प्रति हम उनको कुछ भी नुकसान ना पहुँचाएँ। तो हमारे जैसे और भी लोग हैं जो कि अमंदा के सपोर्ट में होंगे, तो इससे एनिमल्स कुछ हद तक जो है वो कंजर्व हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। थर्ड है, शी कैन कीप अ बाउल ऑफ फिल्ड विद वाटर एट द टॉप ऑफ रूफ सो दैट बर्ड्स कैन ड्रिंक वाटर इन समर, जैसे कि आप लोगों ने किया था समर हॉलीडेज़ में, समर वेकेशंस में, वैसे ही अमंदा भी कर सकती है। समर अपने छत पर पानी का बाउल रख सकती है, बर्ड्स जिनको, जिन भी बर्ड्स को प्यास लगेगी वो उसके बाउल से पानी पी लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 6 एनिमल्स एंड अस, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, समझ आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे, तो आपको अपनी वे फेयर कॉपी में नोट करने हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।